नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंगलम कुमार रस्तोगी आज आप लोगों से सूरदास की कविताओं के पाठ और विश्लेषण पर बात करूंगा। यह बातचीत BA HL 201 कोर्स के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास की कविताओं पर आज हम लोग उनकी कविताओं के पाठ और उसके विश्लेषण पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, सूरदास हमारे भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ हैं। ये प्रेम जो भक्ति काल हिंदी साहित्य की काव्यधारा है उसके प्रमुख कवि हैं, जो सगुण भक्ति काव्य के कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास का यह जो पुष्टिमार्ग है वह दरअसल भारतीय दर्शन परंपरा में जो औपनिषदिक दर्शन है और उसमें वैष्णव भक्ति शाखा का दर्शन है उससे सन्निहित है। सूरदास ने अपनी कविताओं में जिस तरह की व्यंजना की वह कृष्ण भक्ति शाखा का है और सूरदास को वात्सल्य का प्रमुख कवि माना जाता है, यानी कि सूरदास की कविताओं में प्रेम और वात्सल्य एक प्रमुख कारक के रूप में हमारे सामने आता है। यह पाठ्यक्रम जिसमें हम सूरदास की कविताओं पर बात करेंगे और आगे की कक्षाओं में हम इसकी सैद्धांतिकी पर बात करेंगे, सबसे पहले आज हम लोग उनकी एक कविता जो कि आपके कोर्स BA HL 201 में लगी हुई है, ऊधो मन न हुए 10-20, इस कविता की पाठ और व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि सूरदास अपनी कविताओं में किस तरह की व्यंजना लेकर के आते हैं। आप यह गौर कीजिएगा कि जब भारत में भक्ति काल के उदय की बात की जाती है तो प्रमुख विद्वानों के कई कई मत हैं। जैसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारत में भक्ति काल का आगमन जो हुआ वो इस्लाम के आने की वजह से हुआ, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति काल का आना 12 आना तय था। कुछ विद्वानों ने भक्ति काल को भारतीय मानस का सातत्य विकास, जो क्रमिक विकास है, उसका आधार माना। आप यह भी पढ़ते या सुनते होंगे, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। यानी कि यह जो भक्ति काव्य की परंपरा है वह भारतीय मानस का स्वाभाविक विकास है। तो आप देखें कि हमारे भारत में भक्ति काल के समय में दो सगुण भक्ति काल में दो बड़े ईश्वर के प्रतीक हमारे सामने मौजूद हैं, एक तरफ राम और दूसरी तरफ कृष्ण। राम कई बार निर्गुण राम भी होते हैं। आप कबीर की कविताओं को पढ़ेंगे तो कबीर कहते हैं अपनी कविताओं में, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। यानी कि जिस जो कबीर के राम हैं वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो ईश्वर राम है, निर्गुण राम है। लेकिन आप जब कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे तो कृष्ण जो हैं वो यशोदा के पुत्र हैं। वह कृष्ण युद्ध, महाभारत युद्ध के कृष्ण भी हैं, नायक भी हैं, अर्जुन के साथी और उनके सारथी कृष्ण भी हैं। और वह कृष्ण बचपन में गायों के साथ घूमने वाले, गौसेवक संस्कृति के साथ रहने वाले एक आम कृष्ण हैं, एक प्रेमी कृष्ण हैं, एक युवा कृष्ण हैं, वह राजा कृष्ण नहीं है। आप याद करें विद्यानिवास मिश्र का वह निबंध, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। जनमानस में राम और कृष्ण
कौन सबसे ज्यादा जनता के करीब है, जन के करीब है? वे राम करीब हैं जो मनुष्यों की तरह जंगलों में अपने भाई और पत्नी के साथ घूम रहे हैं। राजा राम एक राजनैतिक रूपक है, जनता के राम तो जंगलों में घूमने वाले राम हैं। ठीक उसी तरह जनता के जो कृष्ण हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं, वो युवक कृष्ण हैं, वो बच्चे कृष्ण हैं, जो माखन चुराता है, जो मटकियां फोड़ता है, जो बच्चों के साथ खेलता है, वो राजा का पुत्र नहीं है, वो एक सामान्य किसान का पुत्र है। वह कृष्ण हमारी जनता के मानस में सर्वाधिक नजदीक है। हाँ, उनमें ईश्वरत्व होगा, लेकिन वह उस मनुष्य की स्वाभाविक विकास है जहां पर वह ईश्वर हो जाता है। कृष्ण वह कृष्ण है, गोपियों के कृष्ण कौन है? वो ईश्वरीय कृष्ण नहीं है, वो द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं है। वह कृष्ण गोकुल के गलियों में विचरने वाला कृष्ण है, जनता का कृष्ण है। तो आज हम लोग सूरदास की एक बहुत चर्चित कविता, जो भ्रमर गीत सार में संकलित है, ऊधो मन न हुए 10-20, इस कविता की पाठ पर आज की बातचीत हम लोग केंद्रित करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है, पहले मैं कविता पढ़ देता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ऊधो मन न हुए 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को अपराधो ईस, श्वासा अटकी रही आशा लागे जीव ही कोर बरीस, देह अति शिथिल सबय माधव बिनु जथा देह बिन सीस, तुम तो सर्वा श्याम सुंदर के एकत जोग के ईस, सूर दास रस किनकी बतियां पूखो मन जगदीश, ऊधो मन न हुए 10-20। आप इस कविता को जब पढ़ते हैं तो ब्रज भाषा, जो हमारी हिंदी की आरंभिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण भाषा और आज के हिंदी की एक बहुत बड़ी भाषा है, उसमें संकलित है। यानी कि इसमें ब्रज के शब्दावली हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति के अधिकांश कवि ब्रज भाषा के कवि हैं और सूरदास ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। इस कविता में जब आप इस भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि निर्गुण और सगुण के द्वंद्व की कविता है। प्रेम की यह उतनी ही कविता है जितनी निर्गुण और सगुण के प्रेम की के द्वंद्व की कविता है। आप देखें कि सूरदास की कविताओं पर एक बड़ा आक्षेप यह लगता रहा है कि सूरदास अपने समय के सवालों से परे हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब आप भ्रमर गीत सार पढ़ते हैं और उस निर्गुण परंपरा को जानते हैं तो फिर सूरदास की इस सगुण परंपरा, सगुण कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। आप इन कविताओं में पढ़ते हुए, जो कि जब आचार्य शुक्ल कहते हैं इस्लाम के आने से जो भारतीय हिंदू जनमानस के लोग थे उनका हौसला पस्त हो रहा था, तो तुलसीदास और सूरदास राम और कृष्ण के प्रतीक को लेकर के भारतीय जनमानस में शक्ति का संचार कर रहे थे। यह जो कृष्ण है वह सगुण कृष्ण है, भोले जन के कृष्ण है, यह ज्ञानियों के आराध्य नहीं है। यह जो सहज है, सरल है, आम है, हमारे और आपके बीच है, उसका नायक है। तो सूरदास अपने समय से विलग नहीं है, अलग नहीं है, वह अपने समय के सवालों से कतरा नहीं रहे हैं, बल्कि वे अपने समय के सवालों से बहुत तीव्रता से मुठभेड़ कर रहे हैं और कृष्ण के माध्यम से कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण के झगड़े में वे
स्वगुण को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम जनता को एक प्रतीक चाहिए। आम जनता बहुत राजनैतिक बातें नहीं समझती, बहुत टेढ़ी बातें नहीं समझती, आम जनता सत्ता की भाषा नहीं समझती, आम जनता बेहद सहज होती है, उसके लिए एक सहजता की भाषा होती है, देश भाषा होती है, लोक की भाषा होती है, बोली बानी होती है। सूरदास अपने उस बोली बानी में, उस सहजता में यह बातें कहते हैं, करते हैं। कविता पर आते हैं। उधो मन न हुए दस बीस। ये उद्धव कौन है? ये उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं गोपियों को छोड़ करके। गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। कृष्ण को बेचैनी होती है। कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजते हैं कि वो गोपियों को समझाएं कि प्रेम एक अलौकिक चीज है, एक दिव्य चीज है। और यथार्थ यह है कि अब कृष्ण मथुरा में है, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है धर्म की स्थापना करने की, मथुरा को जरासंध के आक्रमणों से बचाने की, और संपूर्ण यदुकुल को संरक्षित करने की। अब वह बालक कृष्ण जो गईयें चराता था, गऊएं चराता था, जो गोकुल में आम लोगों के साथ रहता था, अब वह वहां नहीं है। उद्धव कृष्ण के संदेश वाहक बनकर गोपियों को समझाने आए हैं। तो गोपियां उद्धव को, उद्धव से बातचीत करती हैं, तरह तरह के उलाहने और उपालंभ देती हैं, शिकायत करती हैं और कहती हैं, तुम तो ज्ञानी पंडित पढ़े लिखे आदमी हो, ब्रह्म को जानते हो, लेकिन हम गोपियां अनपढ़, गांव की गंवार, सामान्य लोग हैं, हमारे लिए तो बस एक ही सच है और वह सच कृष्ण है, कृष्ण से किया हुआ प्रेम है। क्या हुआ कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है? हमें यह निर्गुण ब्रह्म की बातें नहीं समझ में आती। हमारे लिए तो वही सच है जो हमारे आसपास है, जो हमारे साथ है। तो गोपियां शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं, कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, यह जो हमारा मन है वो एक ही मन है, यह दस और बीस की संख्या में नहीं है, एक से अधिक नहीं है, हम तो एक निष्ठ हैं अपने प्रेम में। और उस प्रेम में जो साक्षात दिखता है, जो साहचर्य का प्रेम है, बंधुत्व का प्रेम है, साथी पने का प्रेम है, हमारा प्रेम ईश्वरीय नहीं है, हमारा प्रेम तो लौकिक है, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ हमारी गतिविधियों में शामिल है। अगर हम खेत में जाते हैं तो हमारे साथ वो खेत में जाता है, अगर हम गौएं चराने जाते हैं तो हमारे साथ वो गौएं चराने जाता है, वह हमारे क्रिया व्यापारों के साथ है। वह कृष्ण, वह साकार, वह सगुण मूर्ति, हमारा मन तो उसी के साथ लगा, अब कोई दूसरा नहीं। एक हुतो तो गयो श्याम संग को अराधेश। अब यह जो तुम नए ईश्वर की अवधारणा लेके आ रहे हो, नए ईश्वर की बात कर रहे हो, जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, हम उसके सामने उसको क्या जाने? हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, एक ही प्रेमी है, वो कृष्ण है। और उसके बिना क्या होता है मेरा? देह अति शिथिल सबय माधव बिनु जता देह बिन शेष। स्थिति यह है उद्धव कि यह जो हमारा देह है, क्योंकि हमारे देह का जो शक्ति संचार का प्रमुख कारण कृष्ण था, हमारा प्रेमी कृष्ण था, वह अब हमारे साथ नहीं है। यह शरीर ठीक उसी तरह है जैसे इस शरीर से सर निकाल दिया गया हो, बिना शीश का देह है, क्योंकि हमारा शीश, हमारा प्रेमी, हमारा हमारे शरीर का सबसे प्रमुख हिस्सा कृष्ण
अब गोकुल में नहीं मथुरा में है। स्वासा अटक रही आसा लगे जीव ही कोर बरीस। कोरे बरीस यानी कोटि बरीस, करोड़ों बरस। हम तो इस उम्मीद से कि कृष्ण फिर आएंगे गोकुल में, इस उम्मीद से करोड़ों बरस जी सकते हैं। हमें तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की जरूरत नहीं, हमारे लिए यही उम्मीद काफी है कि एक बार फिर वो आएंगे, कृष्ण आएंगे गोकुल, यह वादा करके गए हैं। हम इस उम्मीद पे जी लेंगे, लेकिन यह जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है वह हमें स्वीकार्य नहीं। हम क्या जाने निर्गुण, हम न ज्ञानी है न तत्व ज्ञानी है न ब्रह्म ज्ञानी है, हम तो सहज सरल गांव के लोग हैं, जो हमें दिखता है हम उसी को सच मानते हैं। तुम तो सर्वा श्याम सुंदर के एकत जोग के ईस। भाई तुम तो सखा हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के एकत जोग के ईस। भाई तुम मित्र हो, तुम साथी हो, और किस कृष्ण के साथी हो, जो राजा कृष्ण है, जो प्रभु कृष्ण है, जो ब्रह्म कृष्ण है। तुम एक निष्ठ एक ब्रह्म के उपासना तुम कर सकते हो, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। हमारे लिए तो हमारा आराध्य कृष्ण ही है। सूरदास रस किनकी बतियां पूखो मन जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के लौकिक प्रेम की जो बातें हैं वही हमारे इष्ट की आराधना है। यह जो सूरदास ने कृष्ण का वर्णन किया है, सूरदास कहते हैं कि हमारे लिए कृष्ण तो हमारे जो गऊओं के साथ लीलाएं करता था, जो खेलता था, मोरों के पीछे भागता था, जो माखन चुराता था, उसकी ही बातें हमारे प्रेम की बातें हैं, ब्रह्म की बातें हम क्या जाने। तो ये कविता है, आप इस कविता में पाएंगे कि निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाई गई है। बतलाया गया है कि यह जो जन सामान्य का है, जो हमें साक्षात दिखता है, वही हमारा प्रभु हो सकता है। हम ज्ञान योग की बातें नहीं जानते। वैष्णव भक्ति परंपरा में लीला का प्रमुख स्थान है। यह उस लीला का वर्णन, कृष्ण के बाल्यकाल लीला का वर्णन है, और यह एक प्रेमी एक मन के हारे मनुष्य की दशा, जो कि ज्ञान से नहीं उसके अभीष्ट की प्राप्ति से संभव है, को दर्शाती है कविता, और सगुण भक्ति को श्रेष्ठ मानती है। इस कविता में लौकिक प्रेम और लौकिक जीवन की प्रमुखता है। इस कविता में जो बातचीत की जाती है, जो कृष्ण है, वह लोक के कृष्ण है, वो पशुपालन और गो संस्कृति और ग्राम्य संस्कृति के रक्षक कृष्ण है। बोल चाल में ब्रज भाषा और उसकी लय इस कविता में मौजूद है। आगे हम फिर आपसे जुड़ेंगे, भक्ति काल पर बात करेंगे, और आगे और कवियों की कविताओं पर हम बातचीत करेंगे। आप सबों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप सवाल पूछ सकते हैं अपने आने वाले कमेंट में। आगे जब हम लोग बात करेंगे अगली कक्षाओं में, तो इस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।